शिवा, चांदनी कहाँ है? जल्दी बताओ वरना चांद से मार डालूंगा। मरे हुए को क्या मारोगे, मगर तुम फिर से जिंदा क्यों हो गए? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मुलायम, मुझे मत छुओ, मैं नीच हूं, कमीना हूं। दौलत के नशे में मैंने शराफत को छोड़ के बुराई को अपना लिया था, लेकिन तुम मुझसे भी घटिया हो, तुम मुझसे भी घटिया हो। मैंने तो मालिक को सिर्फ जेल ही भिजवाया था, पर तुमने तो उस मासूम को जान से मार डाला। तू खूनी है, पापी है, हत्यारा। हत्यारा मैं नहीं, हत्यारा वो था जिसकी वजह से मेरी बहन की जान गई। हत्यारा वो था जिसने 300 मजदूरों को कोयले की खान के नीचे दबा दिया। हत्यारा वो था जिसने मेरे बाप को अपने चाकू से मार डाला। नहीं शिवा, नहीं, तेरे बाप को मारने वाला बड़ा दीवान नहीं था, छोटा दीवान था। तुम नहीं जानते शिवा, ये सब छोटे दीवान की चाल है। उसने मेरी बीबी को वो मुझे मार डालेगा, वो तुम्हें मार डालेगा, वो चांदनी को मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा। बेटे, मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। कैसा पाप मुनीम जी? रुपये के लालच में मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से जुदा कर दिया था। मेरे माँ बाप? हाँ, तुम इनके बेटे नहीं हो। तुम्हारे पिता रणवीर सिंह के बड़े भाई दीवान रणधीर सिंह थे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बहन जी, ये भी पहले रेल की पटरी पर जो बच्चा आपको मिला था वो यही है। केस सुनो, बोल माँ, ये सच है? हाँ। कहाँ है मेरे माँ बाप मुनीम जी? तुम्हारी माँ तो पहले ही मर चुकी थी, और तुम्हारे चाचा की वजह से तुम्हारे पिताजी को 20 साल के जेल की सजा काटनी पड़ी थी मुनीम जी। और जेल से छूटते ही शिवा ने उनका खून कर दिया, और तुम्हारी एक बहन। कसूर आदमी की जान ली है। दीवान रणधीर सिंह से क्या दुश्मनी थी तेरी? क्यों मेरे पिता का खून किया था? हाँ, दीवान रणधीर सिंह तुम्हारे पिता थे? हाँ। लेकिन तू, इसका मतलब है कि चांदनी तुम्हारी बहन है? मेरी बहन? हाँ, रणवीर सिंह के आदमी चांदनी को नकली पुलिस बनकर उठा कर ले गए। अगर हम वहां जल्दी नहीं पहुंच गए तो वो तुम्हारी बहन की चांदनी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ विक्रम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माना कि मैंने जुर्म किया है, देख गलती से मैंने ही तेरे पिता को चाकू मारकर दावरी पुल के पास समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन वो मरे नहीं, मैं समुद्र किनारे उन्हें उठाकर घर ले आई थी। इस कोट को पहचानते हो? हाँ, ये तो उन्हीं का कोट है। लेकिन वो है कहाँ? हॉस्पिटल में थे, उन्हीं के ऑपरेशन के लिए मैंने तुमसे 5,000 रुपए मांगे थे। क्या? ठीक हो गए थे, बार बार अपना कोट मांग रहे थे। जब मैं कोट लेकर हॉस्पिटल गई तो वो वहाँ थे नहीं। कोट मांग रहे थे, मगर क्यों? पता नहीं। क्या है ये? कोई नक्शा मालूम होता है। देखें।
रणवीर, तुम? थैंक गॉड भाई साहब, आपने आंखें क्या खोली, हमारी तकदीर के दरवाजे खुल गए। आप तो जानते ही होंगे कि आपको हॉस्पिटल से यहाँ क्यों लाया गया। हाँ जानता हूं, अगर तुम मुझे मार भी डालो तो भी मैं खजाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। भाई साहब, मैं जानता था आपका जवाब यही होगा, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि आपका छोटा भाई कितनी ऊंची उड़ानें उड़ने लगा है। बेटी, पिताजी, बेटी, पिताजी, बेटी, इन लोगों ने तो कहा था कि आप, मैं तेरी किस्मत से बच गया बेटी। बेटी, इतने सालों के बाद मिलाकर, पिताजी, बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा खजाना तो तुम हो बेटी। हाँ चलो, खजाने का रास्ता बताओ। रास्ता? लेकिन पूरा रास्ता तो मुझे भी मालूम नहीं, पिताजी के साथ एक ही बार वहां गया था। हाँ, उस रास्ते का नक्शा मेरे पास है। कहाँ है नक्शा? मेरे कोट की जेब में है। कोट? कहाँ है कोट? कोट शायद उस लड़की के पास है जिसने मेरी जान बचाई। लड़की? कहाँ रहती है वो लड़की? उसका पता तो मुझे भी मालूम नहीं। What? सचमुच मालूम नहीं मुझे। Don't worry, रणवीर, कोट मिल जाएगा। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? कोट। कैसा कोट? किसका कोट? किस आदमी को तुमने बचाया था हॉस्पिटल में जिसका ऑपरेशन हुआ था? वो आदमी कहाँ है? आदमी हमारे पास है, तुम बताओ कोट कहाँ है? वो कोट, वो तो मैंने दे दिया। किसे दे दिया? एक भिखारी को। पहचान सकती हो उसे? हाँ, लेकिन वो भिखारी मिलेगा कहाँ? भिखारी हम ढूंढेंगे, कोट तुम पहचानोगी, समझ गई? सर, भिखारियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, इस तरह से खाना कम पड़ जाएगा। सर, खाना आधा कर दो। खाना आधा कर दो। बोलो, इन दोनों में से तुम्हारा कोट कौन सा है? ये दोनों कोट तो एक जैसे लगते हैं। ए, इन दोनों के कोट का भेदी बाबा, क्या जमाना आ गया है, फकीरों को कुछ देने की बजाय फकीरों से कुछ ले रहे हैं। छेदी बाबा, इन भूखे नंगों में एक ही सेठ है, वो देखो क्या फरिश्तों जैसी मासूमियत है चेहरे पर। बॉब, निकला कुछ? नहीं। आज तक आपने हमें अपने से दूर रखा, अब हमें अपनी शरण में ले लीजिए, हम प्यार के भूखे हैं, इस झोली में अपना प्यार डाल दीजिए। अरे, इस भूले भटके को तुम्हारे दर्शन करके बहुत खुशी हुई बहन। कुछ नहीं है। ए, कोट की जेब में एक नक्शा था, कहाँ है? कहाँ है? खाली आप पेट में है। मैं इन दोनों का पेट फाड़ डालूंगा। अरे विदेशी बाबू, नक्शा फिर भी नहीं मिलेगा। इन दोनों को गोली मार दो। खारो, हमने वो नक्शा देखा। तुमने वो नक्शा देखा? पड़ा पड़ा और फिर फाड़ डाला। तुमने वो नक्शा फाड़ डाला? लेकिन वो यहाँ है।
हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचे जहां मैं नक्शा ले गया। लेकिन कहां? जंगल के अंदर। पुराना मंदिर। मंदिर के अंदर मिला। पूछो क्या मिला। क्या मिला? पत्थर। अरे वही जो हम भिखारियों की तकदीर में। खामोश! मैं तुम लोगों को जान दूंगा। ये सच कहते हैं, ये लोग अगर मुझे मंदिर तक ले जाएं, तो आगे का रास्ता मुझे मालूम है। इन सबको साथ ले जाने की तैयारी करो, हरे अब। रुक क्यों गए? बस यहीं से गड़बड़ है। तुम्हारा रास्ता कौन सा है भेदी बाबा? दाएं कोने से है छेदी बाबा। नहीं, मेरे नक्शे के हिसाब से बाएं कोने से। तुमने नक्शा उल्टा देखा था, दाएं कोने से है। नहीं, मेरा विचार है कि बाएं चलो और दाएं मुड़ो। मेरा विचार है कि दाएं चलो बाएं मुड़ो। नहीं, बाएं और दाएं। दाएं और बाएं। ओ भेदी बाबा, छेदी बाबा, भेदी, भेदी। मुझे लगता है इसकी नीयत में कुछ खोट आ गई है। क्या मतलब? वो मतलब नहीं जो तुम सोच रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके आगे कुछ आदमी डाल दो, अबे वरना सारा का सारा माल ये खा जाएगा। ए, चार आदमी आगे चलो। दो कदम आगे चलो, तीन कदम बाएं चलो, चार कदम दाएं चलो और दो कदम सीधे। शंभू, ये लो बैठ क्यों गए भेदी बाबा? क्या भेद है? छेदी बाबा, लगता है धरती में छेद। भागो भागो।